मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की लौंजी। तो ये जो लौंजी है आजकल जो कच्चे आम आए हुए हैं तो ये थोड़े दिन ही चलती है, हफ्ता 10 दिन। तो ताजी बना के ताजी खानी चाहिए, अभी स्टोर करने वाले नहीं आए आम जिनकी हम बनाते हैं। तो ये मैंने आधा किलो आम अंबिया ली थी, इनको छील के ऐसे काट लिया है ठीक है लंबे लंबे पीसीस में। तो ठीक है इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, ठीक है सिंपल चाय का कप ली है मैंने चीनी। 2 चम्मच सौंफ लिए हैं, ठीक है 1 चम्मच जीरा लिया है, ठीक है 1 चम्मच ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर के लिए, और 1 चम्मच ली है मैंने काली मिर्च दरदरी पीसी हुई, ठीक है और थोड़ी सी हम डालेंगे हींग। ठीक है तो मैंने इसमें 1 चम्मच तेल गरम करना रख दिया है, तेल हमारा स्मोकी पॉइंट पे आ गया है। तो इसमें मैं चुटकी हींग डालूंगी, हींग का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। डालने के बाद इसमें मैं जीरा डाल दूंगी, लाल भी करना है, सौंफ डाल दूंगी मैं, हमने थोड़ी सी डालनी है मेथी, थोड़ी सी डालनी है और अच्छा। उसको हमने लाल नहीं करना क्योंकि अच्छा। उससे टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अच्छा मेथी थोड़ी सी डालनी, बिल्कुल जरा सी 1/4 चम्मच, ठीक है उसको हमें लाल नहीं करना अदरवाइज उसका टेस्ट कड़वा आ जाता है। ठीक है तो अब मैं डाल दूंगी ये अंबिया, ठीक है ये स्लो आंच पे, हाँ इसको अच्छी तरह मिक्स कर दे। इसको चलाते रहे, गैस की आंच मीडियम लो करके हम इसमें 1 कप जितना पानी डाल देंगे। अच्छा मतलब 1 कप पानी डालना है और इसको हम उबलने देंगे। अभी चीनी भी नहीं, कुछ नहीं डालनी, अभी कुछ नहीं डालना हमने। ठीक है अंबिया हमारी नरम पड़ी, उनके पे देखे कितनी चमक आ गई, ग्लेसरी आ गई है। तो इस टाइम हम बाकी मसाले डालेंगे इसमें। ये मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है, कलर के लिए मैंने डाला 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक डालेंगे हम थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालना, और 1 कप हमने डाल दी है चीनी। अब इसको हल्के हाथों से हम मिला देंगे, इसको धीरे धीरे हिलाते रहें, कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, चीनी मेल्ट हो रही है। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, 200 ग्राम के करीब गुड़ डलेगा। फुल पे इसको थोड़ी देर पकाते रहे ताकि चीनी अच्छी तरह पक जाए। बस चटनी हमारी तैयार है, देख ले बस ऐसे ग्लेज सी आपको चिपचिपी महसूस होनी चाहिए, कोई हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है इसमें, बस चिपचिपी महसूस होनी चाहिए जब आप ऐसे करें तो। ये देखिए चिपचिपी महसूस हो तो आप इसको बंद कर दें क्योंकि ये बाद में ठंडी होने पे गाढ़ी हो जाती है। तो चटनी हमारी तैयार है, ये आम की लौंजी। तो अब इसको ठंडा होने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख के 8 से 10 दिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चटनी हमारी ये लौंजी ठंडी हो गई, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, जब पतली लग रही थी अब बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। आप इंश्योर करें कि आप इसे सूखे बर्तन में ट्रांसफ़र करें क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बर्तन गीला होता है, इसमें मॉइस्चर होता है तो ये ख़राब हो सकती है, और ये 8-10 दिन आप इसे आराम से इजीली खा सकते हैं इस चटनी को। तो ये लौंजी की चटनी बनके तैयार है। आप इसे पूरी परौंठे किसी के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसका टैंगी टेस्ट और थोड़ा मीठापन जो चीनी की वजह से आया है काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और 8-10 दिन ईजिली चल जाती है रेसिपी ये, तो आप बनाएं इसे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।